गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है द्वारका। वही द्वारका जो हिंदुओं की आस्था के प्रसिद्ध चार धामों में से एक है। वही द्वारका जिसे द्वारकापुरी कहा जाता है और सप्तपुरियों में शामिल किया जाता है। वही द्वारका जिसे मथुरा छोड़ने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बसाया था। वही द्वारका जो आज कृष्ण भक्तों सहित हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक महान तीर्थ है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित उनके धाम के बारे में। माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था तो उसमें जिस स्थान पर उनका निजी महल यानी हरिगृह था वहीं पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गमन करने के पश्चात उनके साथ ही उनके द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। वास्तुकला के नजरिए से भी द्वारकाधीश मंदिर को बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। मंदिर एक परकोटे से घिरा है। मंदिर के चारों दिशाओं में चार द्वार हैं जिनमें उत्तर और दक्षिण में स्थित मोक्ष और स्वर्ग द्वार आकर्षक है। मंदिर 7 मंजिला है जिसके शिख की ऊंचाई 235 मीटर है। इसके बनाने के ढंग की निर्माण विशेषज्ञ तक प्रशंसा करते हैं। मंदिर के शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण के भक्त उनके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। ये ध्वजा लगभग 84 फुट लंबी है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग देखने वालों को मोह लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा है जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। ये अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। यहां इन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ यहां पर अनेक मंदिर हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। गोमती की धारा पर बने चक्र तीर्थ घाट, अरब सागर और वहां पर स्थित समुद्र नारायण मंदिर, पंचतीर्थ जहां 5 कुएं हैं जिनमें स्नान करने की परंपरा है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जो द्वारका धाम की महिमा को कहते हैं।